फ्रेंड्स आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात करने वाले हैं इसमें हम स्टैम्प्स एंड सील्स के बारे में पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हमारी एप्लीकेशन हैं उसके बाद कुछ हमारे बैग टाइप्स हैं ठीक है उनके में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म नंबर्स हैं उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ इंपॉर्टेंट क्लोजेज हैं जिनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्जाम में कहीं ना कहीं एक या दो नंबर के क्वेश्चन जिन से भी आ जाते हैं तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए अब हमारा जो है स्टैंप्स एंड सील्स डेट स्टैम्प यूज इन ऑल ब्रांचेस तो हमारी जो डेट स्टैम्प होती है इसका यूज लगभग सभी ब्रांचेज में होता है और इसका पर्पज़ क्या होता है डिफेजिंग ऑफ पोस्टर स्टैम्प्स तो जो किसी भी आर्टिकल के ऊपर अगर पोस्टर स्टैम्प लगाई गई हैं उनको विरूपित करने के लिए डेट स्टैम्प का यूज किया जाता है ऑथेंटिकेशन ऑफ एंट्री ऑफ ट्रांजेक्शन इन बोचेज पासबुक्स एंड रिपोर्ट्स और इसके साथ साथ इसका क्या यूज होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी एंट्री के लिए जो पासबुक पे की जाती हैं या रिपोर्ट्स वगैरह या बोचर्स वगैरह पे होती हैं तो उनको प्रमाणित करने के लिए भी हमारी जो डेट स्टैंप है उसका यूज़ किया जाता है कैप्ट अंडर दी कस्टडी ऑफ पोस्टल असिस्टेंट ऑफ कंसर्न ब्रांच तो संबंधित ब्रांच का जो पोस्ट मास्ट पोस्टल असिस्टेंट होगा उसकी यह कस्टडी में रहेगी उसके बाद हमारी आती है नेम स्टैम्प नाम वाली स्टैम्प तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये नाम स्टैम्प है तो इसके जो ऊपर होगा जो जिस भी ब्रांच में होगी उसका नाम लिखा होगा इस स्टैम्प इन ऑल ब्रांचेस तो इसका भी यूज सभी ब्रांचेस में होता है पर्पज टू शो द नेम ऑफ द ऑफिस इन बो, इन बोचेज एंड रिपोर्ट्स तो बोचेज और रिपोर्ट्स पे नाम को शो करने के लिए इस स्टैम्प का यूज किया जाता है इसको लगाया जाता है कैप्ट अंडर द कस्टडी ऑफ पोस्टल असिस्टेंट ऑफ कंसर्न ब्रांच तो ये भी संबंधित ब्रांच के पोस्टल असिस्टेंट के पास रहेगी उसके आगे आती है हमारी ड्यू स्टैम्प ड्यू क्यों किसका इसका यूज़ क्या होता है यूज इन डिलीवरी एंड शोर्टिंग ऑफिस तो जो हमारे डिलीवरी होते हैं या फिर शोटिंग ऑफिस होते हैं छंटाई वाले या फिर वितरण डाकघर जो होते हैं वहाँ पे इसका यूज किया जाता है फार टैक्सिंग द आर्टिकल्स एंड कैप्टन दी कस्टडी ऑफ पोस्ट मास्टर तो ऐसे आर्टिकल्स जिनके ऊपर पूरे पोस्टेज स्टैम्प नहीं लगे होते हैं उनकी टैक्सिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और किसके अंडर रहती है ये पोस्ट मास्टर के अंडर रहती है उसके बाद हमारी आती है अवलॉन्ग मनी ऑर्डर स्टैंप यूज इन मनी ऑर्डर ट्रेजरी एंड एस पोस्ट ऑफिस और इसका यूज क्या होता है ऑथेंटिकेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उनके प्रमाण के लिए अवलोंग मनी ऑर्डर स्टैंप लगाई जाती है कैप्ट अंडर दी कस्टडी ऑफ पोस्ट मास्टर हो ये भी पोस्ट मास्टर की कस्टडी में रहती है उसके बाद आती है हमारी राउंड मनी ऑर्डर स्टैंप यूज इन मनी ऑर्डर एस एंड रजिस्ट्रेशन ब्रांचेस तो यहाँ पे यूज की जाती है यूज टू ऑथेंटिकेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इसका भी यूज जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ऑथेंटिकेट करने के लिए किया जाता है कैप्ट अंडर दी कस्टडी हो पोस्ट मास्टर तो ये भी पोस्ट मास्टर की कस्टडी में रहेगी फ्रेंड्स अगर आप एस SO, सो में काम करते होंगे सब ऑफिस में तो आपने ये सारी स्टैम्प्स कहीं ना कहीं देखी होंगी आपने राउंड मनी ऑर्डर स्टैम्प भी देखी होगी ओबलोंग मनी ऑर्डर स्टैंप भी देखी होगी उसके बाद आपने नेम स्टैंप भी देखी होगी डेट स्टैंप भी देखी होगी तो उनके यूजेज़ आपको पता होने चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको आ जाएगा ठीक है ये सब आप देखते हैं बट आपको कई बार इनका यूज़ पता नहीं होता किसके अंडर रहती है थोड़ा ये नॉलेज नहीं होता तो आपको इनको थोड़ा याद कर लेना है उसके बाद है इंश्योरेंस सील यूज़ इन रजिस्ट्रेशन पार्सल एंड ट्रेजरी ब्रांचेस तो हमारी इंश्योरेंस सील होती है इसका यूज़ कहाँ पे होता है रजिस्ट्रेशन पार्सल या फिर जो ट्रेजरी ब्रांचेस होती है वहां पे और इसका यूज़ किसके लिए होता है टू सील इंश्योर्ड बैग्स एंड वल्पज एंड आर्टिकल्स तो जो भी इंश्योर्ड बीमा वाले बैग्स होते हैं वल्प्स होते हैं या फिर आर्टिकल्स होते हैं उनको सील करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है कैप्टर दी कस्टडी ऑफ पोस्ट और ये भी पोस्ट की कस्टडी में रहती है उसके बाद आती है डेट सील तो डेट सील भी अपने देखी होगी यूज इन चोटिंग रजिस्ट्रेशन एंड पार्सल ब्रांचेज यूज टू सील दी बैग्स इनका यूज किसके लिए किया जाता है जब बैग के ऊपर सील लगाई जाती है तब उस सील के ऊपर हमारी जो डेट स्टैंप है वो लगाई जाती है की पंडित कस्टडी ऑफ कंसर्न ब्रांच पी तो ये हमारी कंसर्न uh, संबंधित ब्रांच के जो पोस्टल असिस्टेंट होगा उसकी कस्टडी में रहेगी उसके बाद हमारी आती है कैश सील यूज इन ट्रेज़री ब्रांच तो ये ट्रेजरी ब्रांच में यूज़ की जाती है यूज़ टू सील दी कैश बैग और इसका यूज़ किसके लिए जाता है कैश बैग को सील करने के लिए कैप्ट अंडर द कस्टडी ऑफ कंसर्न पोस्टल असिस्टेंट तो ये संबंधित ब्रांच के जो पोस्टल असिस्टेंट होंगे उसके अंडर रहेगी अब आती है हमारी कुछ ड्यू मेल्स अपेक्षित डा हम ये वाली चीज़ें पहले भी पढ़ चुके हैं बट एक बार हम फिर से इनको देख लेते हैं थोड़ा सा तो जो हमारी ड्यू मेल्स होती हैं इसमें हमारे पास क्या क्या आता है क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो ड्यू मेल में ऐसे पूछ लिया जाएगा कि आपका ट्रांजिट जो बैग है ये ड्यू मेल में आता है या अनयूजल मेल में आता है तब आपको ये चीज़ें थोड़ी सी पढ़नी पड़ेंगी तो इसमें हमारे पास है कि मेल uh, जो ड्यू मेल है उसमें क्या क्या आता है हमारे पास मेल बैग ट्रांजिट बैग अकाउंट बैग ब्रांच ऑफिस बैग रजिस्टर्ड पैकेट बैग प्रेस्क्राइब्ड अगर नोट प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर्ड पैकेट बैग होगा तो वो अनयूजल मेल में आ जाएगा बट अगर आपके पास प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर्ड पैकेट बैग है तो आपका ड्यू मेल बैग में आएगा ड्यू मेल में आएगा ठीक है रजिस्टर्ड बैग टी डी एंड एन टी डी बैग अनर फर्स्ट क्लास टी डी एंड एन टी डी बैग तो ये सारे आपके आगे ड्यू मेल में और उसके बाद जो आपकी अनयूजल मेल होती है उसमें क्या क्या आता है पार्सल बैग पैकेट बैग कैंप बैग स्पेशल बैग रजिस्टर्ड पैकेट बैग नोट तो इसमें अब हमारे पास है ड्यू मेल होती क्या है बैग्स आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स बिच मस्ट बी डिस्पैचड एवरी डे और एट रेगुलर इंटरवल्स तो ऐसे बैग्स ऐसे आर्टिकल्स या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज जिन्हें रोज ही डिस्पैच किया जाता है या फिर उनको रेगुलर इंटरवल्स पे डिस्पैच किया जाता है उन्हें कहते हैं हम ड्यू मेल और जो अनयूजल मेल होती है बैग्स नॉट इंक्लूड इन टर्म ड्यू मेल तो जो ड्यू मेल के अंडर नहीं आते वो अनयूजल मेल होगी हमारी तो इसका क्या है जो हमारी अनयूजल मेल होती है ये हमारी फिक्स नहीं है अगर होगा कोई जैसे मान लीजिए स्पेशल बैग अगर बुक करने के लिए है तो करेंगे इसका यह नहीं कि इसको रेगुलर इंटरवल पे या फिर रोज ही आपको इसको डिस्पैच करना है तो ये होगी हमारी ड्यू ड्यू और अनयल मेल हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लोज नंबर जो हम अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो इसमें हमारे पास है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट वन से टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज कौन से क्लोज में आता है तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपका जो क्लोज नंबर टू है उसमें क्या आता है या फिर आपका टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस कौन से क्लोज में आता है तो क्लोज नंबर टू नाइट पोस्ट ऑफिस क्लोज नंबर थ्री में आते हैं मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्लोज नंबर फोर में बिजनेस आवर्स क्लोज नंबर फाइव में पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज क्लोज नंबर एट में फ्रैंकिंग मशीन क्लोज नंबर इलेवन में पैकिंग हमारी आती है क्लोज नंबर फिफ्टीन में लेटर बॉक्सेस क्लोज नंबर एटीन में मेथड ऑफ एड्रेसिंग क्लोज नंबर ट्वेंटी सिक्स में मेल्स फॉर आर्मी एंड एयरफोर्स क्लोज नंबर ट्वेंटी सेवन में ड्यूटीज ऑफ पोस्टमैन एंड डिलीवरी एजेंट क्लोज नंबर फोर्टी एट रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल्स क्लोज नंबर फिफ्टी पोस्ट बॉक्सिस क्लोज फिफ्टी फाइव पोस्ट बैग्स क्लोज फिफ्टी सिक्स आइडेंटिफिकेशन कार्ड हमारा रूल नंबर सिक्सटी थ्री क्लोज नंबर जो हमारा सिक्सटी थ्री है उसमें आता है पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल्स सिक्सटी फोर टू सिक्सटी सिक्स क्लोज रिडक्शन ऑफ पार्सल्स क्लोज नंबर सेवेंटी वन कम्पलेंट एंड सुजेशन बुक क्लोज नंबर सेवेंटी सेवन तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट क्लोज थे ठीक है इसमें हमारे पास ये पूछ लिया जाता है अक्सर कि इसमें आ, से कौन से क्लोज में कौन सी चीज़ आती है तो आपको ये पता होनी चाहिए उसके बाद हमारी आती है कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपसे पूछा जाता है कि जैसे न्यनथा ऐप है इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है तो लेटर बॉक्स क्लियर है जो लेटर बॉक्स है उसको क्लियर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है पोस्ट इन्फो तो पोस्ट पोस्टल बिजनेस के लिए इसका यूज़ किया जाता है आप अगर इंटरेस्ट रेट्स वगैरह कैलकुलेट करते हो या आपने देखी होगी मोबाइल्स में होती है ये पोस्ट इन्फो वाली ऐप जो उसमें आप इंश्योरेंस पोर्टल वगैरह भी देखते हो ठीक है तो वो हमारी पोस्ट इन्फो ऐप होगी पोस्टल बिज़नेस के लिए उसके बाद है इंडिया पोस्ट मोबाइल बैंकिंग तो ये बैंकिंग के लिए हो गई हमारी ठीक है उसके बाद ई पोस्ट ऑफिस पोस्टल बिजनेस के लिए पोस्टमैन ऐप हमारी पोस्टमैन के लिए होती है और हमारी स्मार्ट डेल ऐप होती है जो ये होती है फॉर रजिस्टर्ड कस्टमर्स टू यूज़ इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्सिस तो जो रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं उनके लिए होगी स्मार्ट डेल बाद हमारे बैग टाइप्स एंड देयर कंटेंट्स तो इसमें हमारे पास जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कौन से बैग को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है और उसमें क्या कंटेंट्स भेज सकते हैं तो इसमें हमारे पास जैसे अकाउंट बैग इसको ए से डिनोट किया जाता है इसमें अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड कैश बैग होता है उसके बाद आता है हमारा ब्रांच ऑफिस बैग इसको बी से डिनोट किया जाता है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ बी ओ ब्रांच ऑफिस के जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसके बाद अनअकाउंटेबल एंड अकाउंटेबल मेल कैश बैग और विद और विदाउट कैश तो इसके बीच में कैश बैग भी होता है जिसमें कैश भी हो सकता है या बिना कैश के भी इसको डाला जाता है उसके बाद आता है हमारा लेटर बैग इसको एल से डिनोट किया जाता है अनरजिस्टर्ड फर्स्ट क्लास मेल इसमें होती है उसके बाद डी है इससे क्या है मेल बैग विदाउट आर एल तो विदाउट बैग जो हमारा मेल uh, बैग है जिसमें आर रजिस्टर्ड लिस्ट ना हो उसको डी से डिनोट किया जाता है इसमें क्या होता है अनरजिस्टर्ड मेल एंड रजिस्टर्ड बैग होते हैं उसके बाद एम तो, से क्या डिनोट किया जाता है स्टेशन मेल बैग फ्रोम आर एम एस टू पोस्ट ऑफिस इसमें क्या भेजा जाता है अनरजिस्टर्ड मेल रजिस्टर्ड बैग एंड पार्सल लिस्ट होती है उसके बाद एस से क्या डिनोट किया जाता है सोटिंग मेल बैग फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टू आर एम एस रेलवे मेल सर्विस इसमें क्या होता है इसमें अनरजिस्टर्ड मेल रजिस्टर्ड बैग और पार्सल लिस्ट होती है उसके बाद हमारा आता है पी के टी इससे क्या डिनोट किया जाता है पैकेट बैग इसमें क्या क्या होता है इसमें एम टी कन्वैस बैग्स भेजे जाते हैं ठीक है ठीके? हमने पढ़ा था कि पैकेट बैग्स क्या होते हैं कि जिन बोरों के अंदर खाली थैलों को रखकर भर भेजा जा जाता है या भरकर रखा जाता है उन्हें कहते हैं हम पैकेट बैग्स उसके बाद आता है हमारा आर आर से डिनोट किया जाता है रजिस्टर्ड बैग को इसमें होते हैं रजिस्टर्ड वैल्यूपेबल लेटर्स इंश्योर्ड एनुअल पीस एंड मनी ऑर्डर बंडल्स उसके बाद है आर पी रजिस्टर्ड पैकेट बैग इसमें क्या होता है हमारे पास सेकेंड क्लास रजिस्टर्ड एंड वैल्यूपेबल पैकेट्स उसके बाद है टी वी ट्रांजिट बैग कॉन्टेंट्साइब्रल बैग्स विद द कॉपी ऑफ मेल लिस्ट ट्रांजिट बैग जो होता है इसमें क्या होता है इसमें बहुत सारे बैग्स होते हैं और उसके साथ एक मेल लिस्ट भेजी जाती है उसके बाद है एस पी स्पीड पोस्ट बैग इसमें क्या होता है स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स होते हैं उसके बाद है स्पेशल बैग स्पेशल बैग इनके लिए होता है आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू तो डिग्नेटरीज़ तो ये हमारे जो डिग्नेटरीज होते हैं ठीक है थीके? जैसे हमारे राष्ट्रपति हो गए प्रधानमंत्री हो गए या सरकार के उच्च अधिकारी तो उनके लिए हमने पढ़ा था कि स्पेशल बैग भेजे जाते हैं उसके बाद जो हमारे कैंप बैग्स होते हैं ये इसमें इसको किसे डिनोट किया जाता है इसके ऊपर कैंप बैग्स लिखा जाता है एड्रेस टू पोस्टल ऑफिसर कैंप एट डिफरेंट स्टेशन और इसके साथ साथ ये किसी और भेजा जाता है जो भी कहीं पे उच्च सरकार के उच्च अधिकारी जो किसी कैंप वगैरह में ठहरे हों ठीक है उनके लिए हमारे भेजे जाते हैं कैंप बैग्स उसके बाद है टी डी बैग्स तो उसको टी डी से डिनोट किया जाता है इसमें क्या होते हैं फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स डिलीवरेबल विद इन द ज्यूरीडिक्शन ऑफ़ द पेरेंट मेल ऑफिस तो इसमें फर्स्ट क्लास मेल आर्टिकल्स होते हैं जो कि जो हमारा पेरेंट मेल ऑफिस होता है जहाँ से जो डाक है उसको डिलीवर भेजा रही गया है उसी के ज्यूरीडिक्शन के अंदर अगर इसको डिलीवर करना है तो उसको टी डी बैग में भेजेंगे उसके बाद एन टी डी बैग फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स डिलीवरेबल आउट द्यूरीडिक्शन ऑफ द पेरेंट मेल ऑफिस तो पेरेंट मेल ऑफिस के ज्यूरीडिक्शन के जो उसका का ज्यूरीडिक्शन कार्य क्षेत्र है उसके बाहर अगर न डिलीवर होने हैं तो उनको एन बैग में भेजा जाएगा उसके बाद है हमारी कुछ फोरम्स नंबर्स एंड प्रिजर्वेशन पीरियड तो कुछ ये हमारे फोरम नंबर्स हैं तो इनकी वीडियो आपको पीडीएफ में एफ अच्छा पे व्हाट्सएप प्रोवाइड करवा दूँगा क्योंकि आपको ये सारे पढ़ने हैं इसमें समझाने वाला तो कुछ है नहीं तो ठीक है ये हमारे हैं कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट फोरम नंबर्स हैं ठीक है उनका थोड़ा प्रिजर्वेशन पीरियड है ठीक है तो ये वाली चीज़ें आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा क्योंकि इसमें आपको सिर्फ याद ही करना है इसमें समझने वाला तो कुछ है नहीं आपको इसे याद करना ही पड़ेगा ठीक है फ्रेंड्स तो ये था हमारे कुछ इसमें से भी एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है ठीक है फ्रेंड्स थैंक यू